दोस्तों एक तरफ कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी दुनिया का शेयर बाजार, पूरी दुनिया की कंपनियां दोस्तों अभी दिवालिया होने की कगार पे पहुंच चुकी है। उनके शेयर मार्केट में शेयर ऑलमोस्ट 50% टूट चुका है। दूसरी तरफ अगर बात करें हमारी भारतीय कंपनी दोस्तों रिलायंस जियो, दोस्तों यस रिलायंस जियो भी बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन यहां पे रच रही है। जियो यानी मुकेश अंबानी की कंपनी दोस्तों यहां पे बड़े बड़े काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों तीन बड़े बड़े फैसले यहां पे निकल के आए। सबसे बड़ा फैसला दोस्तों के फेसबुक ने यहां पे ऑलमोस्ट दोस्तों 45,000 करोड़ पार्टनर करें, बने जियो के अंदर हिस्सेदारी परचेस करें। तो जियो की दोस्तों चांदी मुकेश अंबानी जी की कंपनी दोस्तों अभी दोस्तों यहां पे फ्लाई कर रही है हाई के अंदर। उसके बारे में बात करेंगे, क्या है पूरी न्यूज, क्या दोस्तों जियो का भविष्य होगा उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड जैसे आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में हालत बिल्कुल खराब है, लेकिन फिलहाल अभी ये चीज जियो के बारे में या रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोल सकते। रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, जिसने मुकेश अंबानी जी को एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी यहां पे बनाया। और रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडियरी कंपनी है जियो दोस्तों, जो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में यहां पे बादशाह बोली जाती है। पिछले कुछ दिनों से बड़ी बड़ी खबर निकल गई, जो सबसे पहले आपका भाई आपके लिए लेके आता, सबसे पहले फेसबुक आया था ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दोस्तों, ऑलमोस्ट 10% का स्टेक यहां पे जियो के अंदर परचेस किया, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील बोली जाती है इस तरह से दोस्तों। खास करके लॉकडाउन वाले पीरियड के अंदर इस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ, जहां पे जियो के साथ इतनी बड़ी फाइनेंशियल डील यहां पे मुकेश अंबानी ने की। उसके बाद दोस्तों यहां पे सिल्वर लेक करके ब्रोकरेज फर्म है, जिसने यहां पे ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पे जियो के अंदर किया। तो जियो की तो दोस्तों चांदी है। और जैसे ही दोस्तों सारी पॉजिटिव खबर आई, जियो का शेयर दोस्तों कहां से कहां ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा भागते दोस्तों लाखों करोड़ की यहां पे जो संपत्ति है मुकेश अंबानी जी की बढ़ते गई। और मुकेश अंबानी जी दोस्तों यहां पे एशिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट, सबसे ज्यादा अमीर इंसान यहां पे बन गए। अब दोस्तों एक बड़ी खबर निकल गई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, विस्ला इक्विटी पार्टनर्स टू इन्वेस्ट 11,367 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म, ऑलमोस्ट 2.32% यानी 2.25% का दोस्तों स्टेक यहां पे जियो के अंदर विस्ला इक्विटी फर्म जो है अमेरिकन, ये यहां पे परचेस करने वाली है। स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, अब यहां पे बात करेंगे 11,500 करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट यहां पे होगा, ऑलमोस्ट 2.25% का स्टेक इस डील के अंदर यहां पे होने वाला है। फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद दोस्तों ये तीसरा ऐसा मेजर डील यहां पे जियो के साथ यहां पे हो रहा है। मतलब जियो जो है हॉट टॉपिक, हॉट केक बोल सकते हैं, जो बन चुका है दुनिया के लिए, जहां पे हर इंसान अपना पैसा लगाना चाहता है। उनको सभी को पता है कि ये जो पैसा होगा वो डबल होके ही मिलने वाला है, जियो किसी को भी यहां पे नुकसान नहीं कराता है। द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म एंड इक्विटी 4.91 लाख दोस्तों, अगर इक्विटी की बात कर लीजिए तो 4.91 लाख करोड़ की दोस्तों यहां पे हो चुकी है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें एंटरप्राइज वैल्यू यहां पे 5.16 लाख करोड़ की हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्री ने दोस्तों ये फ्राइडे को बताया, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री की दोस्तों कैलकुलेशन बहुत आगे तक यहां पे जा रही है। विद द लेटेस्ट डील जियो प्लेटफॉर्म इज सेट टू नेस्ट कंबाइंड 60,596 करोड़ फॉर द यूनिट रिलायंस इंडस्ट्रीज व्हिच कंप्राइज मेनली टेलीकॉम बिजनेस अंडर रिलायंस जियो व्हिच इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री ओवर 388 मिलियन सब्सक्राइबर। दोस्तों रिलायंस जियो दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है 388 मिलियन यूजर्स के साथ, जहां पे इतना बड़ा दोस्तों यहां पे काम हो रहा है। यहां पे बता दूं कि रिलायंस जियो है दोस्तों डिजिटल प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छा कर चुका है। जियो सिनेमा, जियो सावन, हैप्टिक और ये सारी की सारी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जियो का भी खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो जियो जो है डिजिटल वे में दोस्तों भारत के अंदर बड़े लेवल पे अपने आप को एक्सपांड कर रही है। और जियो के अंदर अभी सारी कंपनियां दोस्तों हजारों करोड़ों का यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है यहां पे रिलायंस जियो के जो चेयरमैन है दोस्तों, लाइक द अदर पार्टनर्स विस्ता आल्सो शेयर्स विद अस द सेम वर्जन ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रोइंग ट्रांसफॉर्म द इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इंडियंस। जैसा कि दोस्तों मुकेश अंबानी ने पहले भी बताया था कि रिलायंस जियो की और यहां पे फेसबुक की डील के ऊपर कि हम दोनों पार्टनर यहां पे भारत के अंदर डिजिटल इकोसिस्टम को यहां पे बढ़ावा देंगे, उस तरफ यहां पे काम करेंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ हम यहां पे काम करेंगे। दे बिलीव्स दैट ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी द की ऑफ एन बेटर फ्यूचर ऑफ द एवरीवन। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और अच्छे तरह से दोस्तों टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करना, ये भारत का यहां पे फ्यूचर हो सकता है। मुकेश अंबानी जी ने
ने यहाँ पे चीज बताई। उसके साथ दोस्तों विस्ता के दोस्तों यहाँ पे जो ओनर है रॉबर्ट एंड ब्रायन, वो बता रहे हैं हिज फैमिली हेल्स फ्रॉम गुजरात, गुजरात से ही दोस्तों इनकी फैमिली निकल के आई है। तो बता रहे हैं आई फाउंड टू आउटस्टैंडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजिस्ट लीडर्स हु बिलीव इन इंडिया एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल डिजिटल इंडिया सोसाइटी। दोस्तों उन्होंने बताया कि हमने इतने बड़े जॉइंट के साथ यहाँ पे काम किया जो इंडिया को कहां से कहां लेके जा रहा है, खास करके डिजिटल इंडिया मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। वी आर एक्साइटेड टू लेवरेज द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मल्टी लेवल सपोर्ट दैट विस्टा हैज बीन ऑफरिंग टू इट्स इन्वेस्टमेंट ग्लोबली। दोस्तों विस्टा पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों इस तरह की अपनी एक्सपर्टीज को लेकर काम करता है, वो काम दोस्तों यहां पर जियो के साथ मिलकर करने वाला है। विस्टा साइजेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, दोस्तों बता सकते हैं कि रिलायंस जो है दोस्तों यहां पर अच्छा खासा काम किया है। विस्टा पोर्टफोलियो कंपनीज हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन इंडिया, ओवर 30,000 एम्प्लॉइज, 13,000 से ज्यादा दोस्तों इंडिया के अंदर विस्टा के दोस्तों एम्प्लॉइज और बड़ा खासा बड़ा बिजनेस यहां पे है। तो दोनों मिलकर दोस्तों यहां पे काम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फेसबुक ने यहां पे दोस्तों 22 अप्रैल को यहां पे 5.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहां पे किया था, ऑलमोस्ट 9.9% का दोस्तों स्टेक यहां पे परचेस किया था। उसके बाद दोस्तों बात करूं तो यहां पे सिल्वर लेक ने भी दोस्तों यहां पे ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पे किया था, मतलब 747 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहां पे किया था, ऑलमोस्ट 1.15% का स्टेक यहां पे लिया था। और आज दोस्तों यहां पे विस्टा की बात चल रही है, विस्टा ने भी दोस्तों यहां पे ऑलमोस्ट 2.25% का स्टेक यहां पे परचेस किया है, 11,500 करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट यहां पे रिलायंस जियो के अंदर किया। तो जियो दोस्तों अब दुनिया के अंदर यहां पे बाजी मारता जा रहा है, जब सारी कंपनियां टूटती जा रही लेकिन जियो के पास अच्छा खासा पैसा यहां पे आ रहा है, जिसको दोस्तों जियो अपने डिजिटल मिशन के ऊपर, डिजिटल इंडिया के मिशन पे काम करेगा, भारत में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाला है। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट जहां पे फेसबुक के बाद सिल्वर लेक के बाद अब यहां पे विस्टा इक्विटी फर्म भी दोस्तों जियो के अंदर 11,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पे करने वाली है, जो रिलायंस के लिए और जियो के लिए बहुत ही अच्छी चीज फ्रेंड यहां पे है। ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेट अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा एक घंटे का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।